हाय एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो पर स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब स्क्रीन में देख भी सकते होंगे, क्या फेसबुक ने आपका भी अकाउंट को इस प्रकार से लॉक्ड कर दिया गया है, चेक बैक हेयर फॉर द रिजल्ट। ओके, ये ऑप्शन डिसएग्री विथ द डिसीजन वाला है गाइस। ओके, जैसे ही आप ब्राउज़र में लॉगिन करोगे तो आपका अकाउंट यू डिसएग्री विथ द डिसीजन वाला में आ जाएगा, और जैसे ही रिफ्रेश होगा तो योर पोस्ट गोज अगेंस्ट और कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम में फंस जाएगा, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे स्क्रीन में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज, जैसे ही आप फेसबुक में लॉगिन करोगे तो आपका अकाउंट इस प्रकार से लॉक्ड होगा, और जैसे ही ब्राउज़र में लॉगिन करोगे तो मैंने आप सबको बताया, जैसे कि आप सब स्क्रीन में देख भी सकते होंगे। तो गाइज, जब आप फेसबुक में लॉगिन कर रहे हो तो आपका ऐसा ऑप्शन आ रहा है, तो आपका मेन ऑप्शन यही है गाइज, मेन प्रॉब्लम यही है, इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे, कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, आज मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं हर रोज़ फेसबुक से रिलेटिव वीडियो लाता ही रहता हूं। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं ट्रिक के तरफ। तो गाइज, आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सभी जगह से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपना ईमेल ऐप ओपन कर लेना है, जीमेल ऐप जो भी रहेगा उसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद, और जो ट्रिक मैं अभी आप सबको बताने वाला हूँ उस ट्रिक से मैंने बहुत सारे बंदों का अनलॉक किया है गाइज। ओके, तब जाके मैं आप सबको बताने वाला हूँ, वरना नहीं बताता, इस वीडियो को लाता ही नहीं अगर ये ट्रिक वर्क नहीं करता तो। जीमेल ऐप आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर कंपोज का आइकन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे स्क्रीन में। तो यहाँ जो टू का आइकन दिख रहा है, इसमें आपको एक ईमेल ऐड करना पड़ेगा, जो अभी मैं अभी आप सबको बताने वाला हूं। तो यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा info@support.facebook.com। ओके, इतना टाइप करने के बाद सब्जेक्ट में आपको आ जाना है। सब्जेक्ट में आपको टाइप करना पड़ेगा माई फेसबुक अकाउंट has been disabled। ओके, डिसएग्री विथ द डिसीजन एक प्रकार से डिसेबल ही है गाइज। ओके, आप डिसेबल मान सकते हो। ओके, तो ये कंपोज का आइकन मिलेगा, इस कंपोज के आइकन में आपको क्या टाइप करना पड़ेगा अभी मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो आपको फिर से उसी पेज पर चले जाना है। फेसबुक में आने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। लेने के बाद आपके सभी फ़ोन में एक ऐप होता है गाइज, ओके, फोटोज़ करके एक ऐप होता है। ओके, गूगल फोटोज जो भी रहेगा गाइज, उस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये अपडेट मांगेगा, बट इसको अपडेट नहीं करना है, नोट नाउ पर क्लिक कर देना है। नोट नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी फ़ोटो रहेगा उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये जो लेंस का आइकन दिख रहा है, डिलीट के बगल में एक लेंस दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक आप जैसे ही करोगे तो हमको इस टेक्स्ट को कॉपी करना है गाइज। ओके, तो हम जैसे ही पूरा ये चेक से लेकर पूरा ऑन तक, मतलब पूरा यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है। ओके, तो मैं फटाफट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे यहाँ पर कॉपी टेक्स्ट करके एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जैसे ही आप कॉपी करोगे तो आपको फिर से जीमेल ऐप ओपन कर ले। जीमेल ऐप ओपन करने के बाद जितना भी कॉपी करे रहोगे उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको यहाँ पर दे देना है गाइस। ओके, तो मैं फटाफट यहाँ पर अटैच कर देता हूँ स्क्रीनशॉट को। आपको भी स्क्रीनशॉट को अटैच कर देना है। तो जैसे कि मैंने अटैच कर दिया है, अटैच करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर फेसबुक का नेम, ईमेल एड्रेस, सब कुछ को यहाँ पर आपको दे देना है, डेट ऑफ बर्थ से लेकर सब चीज़ को। ओके, तो मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा गाइस क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है गाइस। ओके, तो इतना करने के बाद आपको ये सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे यहाँ का सेंड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर फटाफट क्लिक कर देना है आपको। तो मैं फटाफट क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारा फीडबैक फेसबुक टीम के पास पहुँच जाएगा। अब आपको वेट करना है गाइस, हमको
3 डे का वेट करना है। 3 डे के बाद ही अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना है, आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।